है ना, मेरी दिल्ली से बुकिंग थी अबू धाबी की, इतिहाद की, ओकलिया। मैंने कहा देखो मेरे पास ट्रांजिट वीजा है, ओ बोलता मैं अपने सीनियर से चेक करवाया। बोला आप क्यों नहीं निकाल रहे? मैंने कहा आप मुझे ना निकाल के दो, हाँ मुझे केवल रिटर्न का कोई हक नहीं बनता कि आप, अगर अबू धाबी उतर के मैंने ये सोचा कि मुझे यहीं अंदर ही बोर्डिंग कार्ड मिल जाए तो मुझे बाहर क्यों निकल। मैं विजियर, नो यू विल हैव टू गो आउट एंड गेट योर बोर्डिंग पास। सर इंडिया का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस 10 सेकंड। सिविल एविएशन मिनिस्टर है, यंग लड़का है, उसको ट्वीट करके बोलो यार अपने देश में ही अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके सही। पैसे खराब हेलो कर रहे फ्रेंड्स, हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था एक सर्बिया जाने को लेकर, डायरेक्ट इंडिया से आबू धाबी ट्रांजिट का और फिर सीधा आप बेलग्रेड जाने के लिए, तो उसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो भाई फाइनली सर है मेरे साथ, अनित बेदी जिनका नाम है। तो सर ने अभी ट्रैवल किया है सेम वे से, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू सर्बिया बोल सकते हैं, वाया आबू धाबी ट्रांजिट। इन्होंने ट्रांजिट किया था और इन्होंने ट्रैवल किया था बाय विज एयरवेज। तो सर ने मेरी वीडियोस देखी तो इनको लगा कि इनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और अभी रिसेंटली 21 तारीख को वापस इंडिया आए हैं, तो ये अपना पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सपीरियंस। तो भाई जिनको डायरेक्टली इंडिया से वहाँ जाना है एज ए ट्रांजिट यूज़ करके आबू धाबी, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास भी आए थे कि ऐसा किसी ने ट्रैवल किया है या नहीं किया, तो सर ने ट्रैवल किया है भाई। और सर की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारी कंट्रीज इन्होंने ट्रैवल कर रखी हैं ऑलरेडी। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू। हाँ जी, तो सर बताइए आपने बोर्डिंग कहाँ से करी और फिर जो ट्रांजिट का है मेन वो हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो आपने बोर्डिंग कहाँ से करी सर, कौन सी एयरवेज थी? मैंने दिल्ली से बोर्डिंग की इतिहाद एयरवेज, ओके और मैं मेरी सुबह 4:45 की फ्लाइट थी 9 अक्टूबर को। तो सर आपने जैसे आपकी बुकिंग थी दिल्ली से सर्बिया तक बेलग्रेड तक, तो नहीं, आपको आपको बोर्डिंग पास जो मिला वो कहाँ तक का मिला? ऐसा है ना, मेरी दिल्ली से बुकिंग थी अबू धाबी की इतिहाद की, ओके और अबू धाबी से मेरी विजियर की थी फ्लाइट बेलग्रेड की। बेलग्रेड की हाँ, तो मुझे बोर्डिंग पास मिला दिल्ली से अबू धाबी का। आउट। ये पीसीआर टेस्ट करवाया मैंने, कोई रैपिड टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि मैं ट्रांजिट कर रहा था। मैं चला गया अपने होटल, रात को 1 बजे मैं T3 आया हूँ वापस, और मैं चला गया सीधा अंदर इतिहाद के बोर्डिंग काउंटर पे। जब आप लाइन में आते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, हाँ जी मेरे भी चेक किए। मैंने कहा मैं ट्रांजिट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रोक लिया। मैंने कहा देखो मेरे पास ट्रांजिट वीजा है और मैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूं, तो बोलता मैं अपने सीनियर से चेक करवाया था। मैंने ओके कहा करवाया हो, 15-20 मिनट हो गए वो नहीं आया। वो सामने जाके वो जहां बोर्डिंग पास इशू होते हैं उन काउंटर पे कोई फीमेल्स के साथ कोई इधर उधर आए ना, ओके तो मैंने, उनका दूसरा आदमी था, मैंने उसको बोला भाई ये 15 मिनट हो गए आ क्यों नहीं रहा। बोलता सही बात है। चेक कर रहे होंगे लेट, अभी फ्लाइट तो लेट है। मैंने कहा भाई मैंने जाके लाउंज में जाके मैंने खाना वाना खाना है, ड्रिंक्स सही लेने बात हैं, है, सही बात है। चाहिए। तो वो नहीं आया तो मैं खुद चला गया वहां। मैंने ओके कहा भाई आप मेरा बोर्डिंग पास क्यों नहीं इश्यू कर रहे हो? तो सही बात है। मैंने कहा मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने कहा मेरे पास ट्रांजिट वीजा है, मेरे पास क्या नहीं डॉक्यूमेंट है मुझे आप बताओ। मैंने कहा मुझे कोई रैपिड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, मैं 3900 रुपए क्यों खर्चूं। तो ऐसा है कि वो बोलता सर वो मुझे पता है आप वेल ट्रेवल्ड हो, और ये तो उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। ओके मैंने उसको तो बोला कि आप मेरा बोर्डिंग कार्ड क्यों नहीं इशू कर रहे? तो बोलती कर रहे हैं कर रहे हैं, हमने चेक कर लिया। वो उसको लड़के को जो मेरे डॉक्यूमेंट ले गया था उसको बोलती कि तुम बोर्डिंग कार्ड इशू कर दो। अच्छा वो लड़का भी घबराए बोर्डिंग कार्ड, एक थर्ड लड़की बैठी थी बेचारी शरीफ थी, उसको बोलता निकालो सर का बोर्डिंग कार्ड। मैंने उसको बोला आप क्यों नहीं निकाल रहे? मैंने कहा आप मुझे ना निकाल के दो, मुझे केवल रिटर्न में ये चाहिए कि मेरा बोर्डिंग पास क्यों नहीं इशू हो रहा। हाँ मैंने कहा मैं मिनट में मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा मेरा बोर्डिंग पास इशू ठीक कर है रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा इन ओके राइटिंग। ओके तो उस लड़की बेचारी शरीफ सी से
वो लड़की बोलती कि मैं सुपरवाइजर हूँ, अच्छा जो उसके साथ ही बैठी। मैंने कहा आप सुपरवाइजर हैं तो आपको रूल तो पता होने चाहिए। मैंने कहा आबू धाबी से ट्रांजिट अलाउड है मेरे पास। मैंने कहा कि वैसे तो मुझे ट्रांजिट वीजा की भी जरूरत नहीं, मेरा वहां से इशू। मैंने कहा लेकिन मेरे पास फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने ट्रांजिट वीजा। ठीक मैंने है, कहा अदरवाइज मेरे पास और भी ऑप्शन है। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल, मेरे पास लाइव 2030 तक यूएस वीजा है, मैं यस वीजा यस ऑन अराइवल। बोलती यस यस यस, सर ये तो सब। लेकिन उस बेचारी शरीफ सी लड़की से बोर्डिंग पास इश्यू करवाया, वो भी डरती। मुझे ये लगता है कि कोई भी जो ये इनके एजेंट है एयरलाइन के, ये सारे डरते हैं और कोई भी वीजा नहीं, वो सॉरी बोर्डिंग पास नहीं इशू करना चाहता। शायद ये घबराते हैं अपनी नौकरी से, कहीं कोई बंदा वापस आ गया तो शायद इनकी नौकरी के ऊपर होता होगा। हाँ लेकिन यही, ऐसे आपके आपके प्रोग्राम पे मैं देखता हूं ना, लोग बोलते हो शरीफ से पंजाबी आ जाते हैं, उनको ये डरा रहे होते हैं, उनका ये देख रहे होते हैं कि नए जिन्होंने ट्रेवल नहीं किया हुआ। इनका कोई हक नहीं बनता कि आप, अगर आपके जिस कंट्री में आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इनको रोके, इनको ये कोई मतलब नहीं बनता कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो उस सर, कंट्री क्योंकि में तो जाएंगे तो इमिग्रेशन का हक आप भी बनता। वीडियोस देखते हो और आपने भी देखा बहुत सारे बंदों को डिनाई भी कर देते हैं, हालांकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट भी शरीफ पूरे होते आदमी हैं। भी, शरीफ आदमी डरता है, शरीफ आदमी डरता है जो वेल ट्रेवल भी नहीं होता या मैच्योर नहीं होता यस या यस जिसमें ये कैपेसिटी नहीं होती उसको। लेकिन बेसिकली ये मैं रॉबिन जी आपके प्रोग्राम पे इसलिए ही आया हूं कि मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। यस सर आपकी कोई यस, जरूरत, आप बेस्ट, आप केवल एक ही लाइन बोलो कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, अगर आप मुझे बोर्डिंग कार्ड नहीं इशू कर रहे हो प्लीज गिव मी इन राइटिंग, आई विल सी टू इट, आई विल गो टू द जुडिशरी, आई विल गो टू द कंज्यूमर। यस 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 यार, क्योंकि ये हमारा हक बनता है भाई। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं तो ये हमारा हक बनता है कि भाई हमें बोर्डिंग पास मिलना चाहिए, और ये आप उनसे बिल्कुल, बोल सकते हो, बिल्कुल चौड़े में होके बोल सकते ये हैं, कोई मेरा इशू नहीं है। आपके प्रोग्राम पे आने का ध्येय ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए और इसे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जिस रूट से आपने ट्रैवल किया है बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों का क्लियर हो जाएगा उसमें। तो सर फिर आगे बिल्कुल, फाइनली उन्होंने आपको बोर्डिंग पास दे दिया? हाँ जी, बोर्डिंग पास मुझे उसी टाइम ही दे दिया जब मैंने बोला, मैंने हाँ जी हाँ आराम जी, से लाउंज में गया, मैंने बोर्ड की फ्लाइट, आबू धाबी उतरा हूं। ओके अच्छा, आबू धाबी उतर के मैंने ये सोचा कि मुझे यहीं अंदर ही बोर्डिंग कार्ड मिल जाए तो मुझे बाहर क्यों निकलना पड़े। तो मैं ट्रांसफर डेस्क पे गया इतिहाद के, ओके उन्होंने बोर्डिंग कार्ड देने से विजियर मना कर दिया। अगर ये अच्छा, ऐसा भी हुआ इतिहाद की सर? फ्लाइट, हाँ मैं विजियर, नो यू विल हैव टू गो आउट एंड गेट योर बोर्डिंग पास। चलो मेरे को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास ट्रांजिट वीजा था। ओके अच्छा, मैंने उसको बोला कि मेरा कोई चेक इन लगेज नहीं है, मेरे पास तो हैंड लगेज है, आप मुझे बोर्डिंग कार्ड निकाल दो, मुझे बाहर जाने के। बोलती नहीं, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। चलो मैं इमिग्रेशन पे गया, और आपको ये बात बता दूं, हिंदुस्तान को छोड़ के सारे लोग अच्छे होते इमिग्रेशन। शेख ने कुछ देखा नहीं, उसने बस आपके कैमरे की तरफ आंखें कर लो, 30 सेकंड के अंदर उसने ठप्पा लगाया। मेरा तो कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आबू सर धाबी। एक चीज बताइए यहाँ पे प्लीज, जिसके पास ट्रांजिट वीजा नहीं है या जिसके हाँ पास जी यूएस, क्योंकि यूएस का वीजा भी किसी किसी के पास होता है, आपके पास था हाँ जी हाँ वो भी नहीं जी है, अगर वो विज एयरवेज का बोर्डिंग पास ले ट्रांजिट में, तो उसके लिए पॉसिबल तो नहीं होगा? के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि जो आप ऑनलाइन भी आपका बोर्डिंग पास इश्यू होके आता है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है, विजियर के बोर्डिंग कार्ड के ऊपर, दिस इज नॉट ए बोर्डिंग कार्ड। उसके बेसिस पे वो आपको चेक इन नहीं कर, ए, फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलना ही और पड़ेगा भाई, तो जो भी इस रूट से लाइन ट्रैवल करना चाहता है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। एक लाइन ऐड करना चाहता हूं कि ट्रांजिट वीजा लेना बहुत आसान है बिना पैसे के। आप इतिहाद एयरवेज की साइट पे जाइए, सर्च करिए वीजा या इतिहाद वीजा करके लिखिए, 48 घंटे का वीजा बिल्कुल फ्री मिलता है। आप चाहे इतिहाद में ट्रेवल कर रहे हो ना कर रहे हो, आप एयर इंडिया में ट्रेवल कर रहे हो और आगे से भी किसी और फ्लाइट में जा रहे हो, तब भी इतिहाद के थ्रू 48 घंटे का वीजा फ्री मिलता है। दूसरी बात यह है, केवल उसमें एक कंडीशन है
कि आपके आबूधाबी में ही आपकी फ्लाइट आनी चाहिए और वापसी की फ्लाइट भी आपकी आबूधाबी आनी अच्छा, तो ये कंडीशन है सिर्फ कि अबू धाबी में ही आपकी फ्लाइट वापस आनी चाहिए, रिटर्न चाहिए। मतलब फ्लाइट। कि जैसे आप दिल्ली से आबूधाबी लैंड करेंगे और जब आप वापस आएंगे तब भी आबूधाबी तो लैंड। आपने वही ट्रांजिट वीजा यूज किया था उसमें, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने, ये बहुत हेल्प करेगी लोगों और ना ही कोई कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ, को। ओके ओके, मतलब निकलती हाँ बार जैसे आप उतरते हैं बाकी पैसेंजर्स का कोविड टेस्ट होता है, होता है। कोई कोविड टेस्ट। लेकिन जब मैं वहां से सारा जीवो से आबू धाबी वापस आया तो हूं सर तब कोविड टेस्ट। एक चीज बताइए यहाँ पे कि हाँ जी आपका जो फ्लाइट आप उतरे, हाँ आपने वहां जी पे बातचीत करी, आपने अपना ट्रांजिट वीजा ले रखा था, आप एग्जिट कर गए, तो कितने घंटे जी का गैप था आपका, मतलब लेओवर था? 7.5 घंटे का था। 7-7 घंटे के बाद आपकी नेक्स्ट फ्लाइट थी, हाँ राइट? जी तो फिर आप बिल्कुल एग्जिट कर गए और फिर आप वहां काउंटर पे चले गए विजय एयरवेज के। एग्जिट करके मैं घंटा कवर बाहर घूमा हूं एयरपोर्ट के, फिर मैं अच्छा, एयरपोर्ट के अंदर आ गया, वेट करने लगा कि कब ये काउंटर खुलते हैं। और उसके बाद मैं काउंटर पे गया, वहां कॉपी निकाले जिसमें बिल्कुल दोनों डेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने केवल यही कि बेलग्रेड से एग्जिट करने की उसने फ्लाइट टिकट मांगी। मैंने कहा मैं फ्लाइट पे तो जा नहीं रहा, मैंने कहा मैं बेलग्रेड से जा रहा हूँ बोस्निया हर्जेगोविना, ओके तो बोलती उसकी टिकट दो। मैंने कहा टिकट नहीं है, मैंने तो बस बुक करवाई है बेलग्रेड की, ओके सारा ओके जीवो की। ओके फिर मैंने कहा मेरे पास प्रिंटेड टिकट भी नहीं है, मैंने उसको अपने मोबाइल से दिखा दी। ओके, उसने साथ के साथ बोर्डिंग पास इशू करके दे दिया, कोई इशू नहीं। ओके 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 तो ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रैक करी है सर आपने यहाँ पे विज एयरवेज की, क्योंकि ये बड़ा बहुत बड़ा डाउट था लोगों, और सर घबरा इसीलिए रहे थे लोग क्योंकि आपको पता है बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों के अंदर कि वहाँ पे हम जाएंगे, हम पता चला हमें बोर्डिंग पास दें ना दें, और ये ट्रांजिट वीज़ा का जो सबसे मेन चीज़ आपने बताई है भाई, ट्रांजिट वीज़ा लो, आप एग्जिट कर सकते हो 48 घंटे तक, कंडीशन ये है कि रॉबिन, आपकी रिटर्न फ्लाइट अबू धाबी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है रॉबिन जी बस। मैं एक चीज और ऐड कर देना प्लीज चाहता हूं। बताइए सर, प्लीज। आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस कंट्री आप जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। तो अगर आप वीजियर से जा रहे हो, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो आपको जो सर्बिया है जो फुली वैक्सीनेटेड है उनसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की भी डिमांड नहीं करता। सपोज अच्छा आप आबू धाबी 2 दिन रुको तो आप फ्लाइट पकड़ो, आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सर, जो कोविड कोविशील्ड है उसको सर्बिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ। ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो ये मतलब 100% ट्रू है कि भाई 100%। आप जो सर्बिया की साइट है फॉरेन अफेयर्स की या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसमें जाके देख लो नहीं नहीं सर, जो। एक्चुअल नहीं सर, सीन क्या है, अगर अगर विज एयरवेज वाले पूछने लगे तो, क्योंकि बोर्डिंग बंदा वहां से करेगा। इंजीनियर को भी पता है वो आपके, मैं तो प्रिंट आउट भी ले गया था उसमें ओके जो कंडीशन, या तो आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट हो या आप कोविड फुली वैक्सीनेटेड से हो, रिकवर हुए हो या आप वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेटेड हो, हमारी कोविशील्ड रिकॉग्नाइज्ड है ओके सर्बिया में। ओके तो ओके इन तीनों में से आपने केवल एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी। ओके 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 तो सर ये तो तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने मैं ये तो मतलब बड़ी हेल्प करेगी लोगों को मैं ऑनेस्टली। आपको आगे का भी बताता हूं। जब मैं बेलग्रेड से सारादीवो गया हूं, मैं बाई बस गया हूं और मैंने लैंड सर बॉर्डर क्रॉस सर किया। एक बार, एक चीज और, आप सर्बिया पहुंच गए, सर्बिया का एक्सपीरियंस बताइए प्लीज, कैसा था इमिग्रेशन का? सर्बिया का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस 10 सेकंड का था। मैंने जैसे मैं पहुंचा, सामने एक लेडी थी इमिग्रेशन ऑफिसर, मैंने अपने पासपोर्ट के अंदर ना अपनी पीसीआर रिपोर्ट, क्योंकि दिल्ली से करवाई थी तो 72 आवर्स से तो पहले थी, वो डाल के मैंने उसके आगे की। उसने मेरा पासपोर्ट खोला, चार छह उसने वो स्टैंप लगाने की जगह ढूंढ रही क्योंकि भरे हुए हैं मेरे दो पासपोर्ट। तो उसने वो तो सर्टिफिकेट तो देखा नहीं, वापस फेंक दिया मेरी तरफ। उसने जहां उसको खाली जगह देखी स्टैंप लगाई, भाई जितनी देर स्टैंप लगाने में खाली जगह ढूंढने में लगती है उतनी, उसने जुबान से एक वर्ड सर मुझसे नहीं सर पूछा कहां से आए एक हो चीज और क्या बताइए कर रहे।
जैसे कि पंजाबी बहुत सारे आपको पता ही होगा, उनको डिपोर्ट कर देते हैं, तो वो कुछ आपको दिखा उधर ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरी फ्लाइट में भी थे लोग, ओके इंडियंस थे, लेकिन ओके क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सीधा खड़ा था, मेरे अगल बगल में इंडियन कोई नहीं था। ओके 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 तो बट मुझसे तो उसने जुबान ही नहीं खोली ना, ओके दस ओके सेकंड नहीं लगा। तो सर आपकी तो ट्रैवल मुझे तो हिस्ट्री, ये सर लगा कि ये हॉक्स आपकी है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। और अभी आपकी एज, सर आपकी एज बताइए प्लीज। 60+ है। 60+। सर कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो आप सोलो? मैं 40-45 कंट्री कम से कम ट्रेवल कर चुका हूँ। 4 बार अमेरिका, 4 बार अरे कनाडा, वाह 3 बार चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, लाखों देश, तो मतलब भाई कि शिव जो सोलो ट्रैवल करते हैं, जैसे हमने भी करा था, तो भाई उन ये तो गुरुजी हैं सर, तो बहुत अच्छी ट्रैवल कर रखी है सर, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है इनकी। तो सर आगे का बताइए, जो बोस्निया गए आप बाय बस। मैं उसका भी आपको एक्सपीरियंस। बेलग्रेड से मैं बाई बस गया हूं बोस्निया की कैपिटल साराजेवो। अब यहां से लैंड बॉर्डर से सर्बिया से एग्जिट तो हो गया आसानी से। उसने मुझे बोला कोविड रिपोर्ट, तो मैं आपको बताता हूँ यहां कैसे यूज हुई। मैंने उसको बोला आई डोंट नीड ए कोविड रिपोर्ट बिकॉज आई एम फुली वैक्सीनेटेड। ओके तो मैंने उसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा दिया। वो भी वही पूछता कि इसमें तो सिंगल वैक्सीन। मैंने उसको समझाया कि इसमें फाइनल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इट मींस कि दोनों हो गई हैं। तो वो समझ गया मैं तो उसके देश से निकल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में एंटर हुआ तो वहां भी एक्चुअली हम हिंदुस्तानियों की ना रेपुटेशन बहुत खराब है, यस सर यस। तो आपका पासपोर्ट देखते ही वो शक्ल बना। लेकिन उसने मैंने उसको बोला आई एम यूजिंग माई यूएस वीजा टू एंटर बोस्निया। ओके यूएस वीजा वाले वीजा फ्री एंटर कर सकते हैं। ओके ओके तो उसने पहले तो वीजा देखता रहा कहीं नकली तो नहीं है, हिंदुस्तानी है। फिर उसने पासपोर्ट देखा भरा हुआ, इतने वीजा कोई कनाडा का लगा हुआ। अच्छा फिर उसने कोविड सर्टिफिकेट देखे, बोलता इंडियन कोविड सर्टिफिकेट। मैंने कहा यस। मैंने कहा आई एम, बोलता कि पीसीआर रिपोर्ट। मैंने कहा आई एम फुली वैक्सीनेटेड, आई कैन एंटर योर कंट्री विदाउट एनी पीसीआर रिपोर्ट। उस कंट्री में मैं बिना पीसीआर रिपोर्ट के एंटर किया, ओके मैंने ओके सब पैसे बचाए। अरे वाह सर, आपने तो बड़ी अच्छी अच्छा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो। कोविड रिपोर्ट में भी शक करने लग पड़े। मुझे बोलता खड़े हो जाओ, बाकी बस के पैसेंजर यूरोपियन वगैरह थे बैठ गए। मैं 10 मिनट, वो अंदर गया अपना उनकी बड़ी बिल्डिंग में अपने बॉस वगैरह को पूछने आया, 10 मिनट बाद आया निकल के, स्टैंप लगाई और मुझे गो टू द बस। पूछना चाहता था कि नलायक तुम्हें अपने कंट्री के रूल्स नहीं पता कि जो फुली वैक्सीनेटेड है। अब मेरे पासपोर्ट पे शक कर रहा है तो वो बात अलग है, ठीक 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 सॉरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ओके 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 सर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊं कि ट्रेवलिंग में आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, बट इसमें मैं एक चीज और भी बोलता हूं कि जो ज्यादा वेल ट्रेवल्ड है ना उसका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है। सर यही चीज मैं बस आपसे पूछूंगा अभी लास्ट में, कि जो भी आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होता है, लोगों से बड़े सवाल जवाब होते हैं, बड़े वो मतलब पूछते हैं उनसे, तो उसके बारे मैं में अगर आप केवल क्या कहना ये, चाहोगे? अभी जी आप इतना काम कर रहे हो, आप एक चीज समझाओ। आप एटलीस्ट जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यंग लड़का है, उसको ट्वीट करके बोलो यार अपने देश में ही अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके सही पैसे बात, खराब कर रहे हैं। सही बात है, इंडिया के अलावा बाहर आपने भी देखा होगा कहीं तंगी नहीं होती। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। लोगों के पासपोर्ट देख के उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पे उनको डिनाई करते हैं बोर्डिंग, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हैं जाने के। इनका तो कोई हक ही नहीं बनता। मैं सर्बिया जा रहा हूं तो सर्बिया के इमिग्रेशन मुझे अपने देश में घुसने से रोक सकता है ना? बस ये बस कौन बस रोकने वाले? और सही ये कौन से बड़े लायक या पढ़े लिखे होते हैं कितने कर ये लायक? एक्चुअली ये है कि ये शरीफ आदमियों को तंग कर रहे हैं। हमारे देश में ये आदत है कि शरीफ अपने लोगों को तंग करने की आदत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और ये चीज आप जैसे यूट्यूबर हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, थैंक प्लीज यू ये सर। चीज उठाइए। और जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी इतने ट्वीट कीजिए अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर को, यार ये हो क्या रहा है, थैंक हमारे यू, देश के लोगों को ही तंग किया जा रहा मतलब भाई बिल्कुल ध्यान रखो, आपका हक है यार, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, तो आपका हक है भाई बोर्डिंग पास लेने का। आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे सर ने बोला कि आप अब रिटर्न में दो मुझे और उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, तो भाई बिल्कुल आपका हक बनता है और अपना पूरा राइट है, अपना बोर्डिंग पास लो, राइट सर? ओके तो सर बड़ी थैंक यू। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, बहुत अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला,
और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लोगों को ये। और भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ताकि लोगों की हेल्प हो जिनको ट्रैवल करना है, सर्बिया ट्रैवल करना है, कहीं और भी ट्रैवल करना है। तो भाई अपने राइट्स भी आपको पता होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप पूरे रखो और बड़े इजीली ट्रैवल कर सकते हो। सर ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ट्रांजिट के बारे में, आबू धाबी का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों का, क्लियर हो गया होगा भाई इस वीडियो में होपफुली। रॉबिन जी, 1 मिनट के लिए मैं और हेल्प के लिए एक चीज और ऐड कर दूं। बिल्कुल वापसी पे मैं सारा जीवो से अबू धाबी आया था और मैंने वापसी पे भी ट्रांजिट वीजा लिया था। एक होता है 48 आवर्स का ट्रांजिट वीजा, ओके उसमें केवल 50 दिराम लगते हैं, 1,000 रुपया इंडिया का। मैं वापसी पे दुबई एक्सपो देख के आया हूँ, 2 नाइट स्टे करके आया हूँ, 1,000 रुपये में वो भी मिल जाता है वीजा, सेम ही प्रोसीजर से, सेम इतिहास से। तो सर वो फिर दोबारा आपने अप्लाई कर दिया वो दोबारा अप्लाई किया कितने दिन बाद? 2 बार, एक पहली बार तो 48 आवर्स का फ्री में, हाँ जी वापसी के लिए मैंने 2 नाइट रुकना था, मैंने ये देखनी थी दुबई एक्सपो, तो मैंने 48 आवर्स का अप्लाई किया। वो ओके जर्नली जब आप पहला यूज कर लेते हो तब दूसरा आपको मिलता है। अप्लाई तो मैं पहले कर दिया था, लेकिन अच्छा पहले वाला ट्रांजिट वीजा तो आ गया था 2 दिन में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो आ गया है 10-12 दिन में। उसका मुझे बाद में पता चला कि जब आप पहला यूज कर लेते हो उसके बाद दूसरा इश्यू होता है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते। तो 48 आवर्स का वीजा, सॉरी 96 आवर्स का वीजा, ओके 50 दिन में, तो एक सर ये हजार भी रुपये इत्यादि की वेबसाइट पे मिल जाता है। की वेबसाइट पे इतना आसान है, सेम प्रोसीजर है, केवल आपने 50 दिराम पे कर दी ओके ओके सर और बहुत नाइन्टी अच्छा, सिक्स आवर्स मीन 4 दिन का वीजा मिल गया। ओके 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 अरे वाह सर वाह, ये तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर, मेरे हिसाब से अभी तक की बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है आपने सर, उसके लिए थैंक यू सो मच, बड़े लोगों को हेल्प करेगी सर ये। तो भाई जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है इसको शेयर जरूर करना भाई, ताकि लोगों को पता चले, अवेयर हो लोग और अपना ट्रैवल स्मूथ कर सके। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, और भाई थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट रुपी। वीडियो में, थैंक यू सो मच।